तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में, और हम आज उनका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ये जो फंजाई किंगडम है वो क्या है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये कैसे कैसे इनका इनका रिप्रोडक्शन होता है और क्या क्या ये इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में किंगडम फंजाई का। तो दोस्तों ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का दोस्तों मतलब होता है कि ये सब जगह पाए जाते हैं, दे आकर एवरीवेयर, यानी कि ये दोस्तों एयर में भी आपको मिलेंगे, ये आपको वाटर में भी मिलेंगे, और ये आपको प्लांट्स में भी मिलेंगे और एनिमल्स में भी मिलेंगे एज पैरासाइट्स। तो ये जो है कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। और दोस्तों इनका जो पूरा जो किंगडम है ये जो है हेटरोट्रॉपिक है, इनमें कोई भी फोटोट्रॉपिक नहीं है, यानी कि ये दूसरों के ऊपर फीड करते हैं एज अ पैरासाइट या फिर एज अ सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट यानी कि ये डेड डिकिंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, या फिर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। जैसे कि आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि इनसे हमको एंटीबायोटिक मिलता है, एंटीबायोटिक मिलता है जो कि एक हमको ऐसे ही फंगस से मिलता है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। और दोस्तों बहुत सारी चीजें इनसे हमको मिलती है, जैसे कि जो सिट्रिक एसिड है वो भी हमको एक फंगस से मिलता है जिसको हम एस्परजिलस कहते हैं, और जो जो एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो है जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, वो भी हमको एक ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस से मिलता है। और दोस्तों ये क्या है, सेप्रोफाइट होने के साथ साथ कुछ कुछ आपके पैरासाइट्स भी हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में ये डिसीजेस भी कॉज करते हैं। तो दोस्तों आपको दो जो है यहाँ पर पैरासाइट्स का नाम याद रखना है जो कि प्लांट्स में डिसीजेस कॉज करते हैं। वीट में दोस्तों एक रन, एक आपका रस्ट हो जाता है जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, इसका एक कॉज होता है, वो होता है एक फंगस जिसका नाम है दोस्तों पक्सीमिया। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ऐसे ही एक और बीमारी होती है मस्टर्ड में कि उनकी जो लीव्स हैं उनके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो भी एक फंगस की वजह से ही होता है जिसका नाम है यूस्टिलागो। और इसके बाद दोस्तों ये जो है फंगस जो है कुछ कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में भी रहती हैं, यानी कि ये म्यूचुअलिज्म को भी फॉलो करती हैं कुछ प्लांट्स के साथ और कुछ एल्गे के साथ। ये अपनी हिस्सेदारी बनाती हैं, अपनी जोड़ीदारी बनाती हैं और साथ में ये एग्जिस्ट करते हैं। आपने लाइकन्स का नाम सुना होगा कि जो एल्गे है और फंजाई है वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं जिनको हम लाइकन कहते हैं, जो कि साथ में रहते हैं। और माइकोराइजा दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ये कुछ एसोसिएशन होते हैं जो कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहते हैं, जो आपके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ऊपर के, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, तो इनके साथ क्या है इनका एसोसिएशन होता है। और इसमें भी आप एक नाम याद रख सकते हैं ग्लोमस, ये आपको आगे तो इसमें सुनने को मिलेगा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था एल्गे के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और ये डिवाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो दोस्तों जो फंजाई है उनमें कुछ का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिसेलुलर होता है, और जो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है वो आपके फिलामेंटस होते हैं, यानी कि वो फिलामेंटस यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनमें पाए जाते हैं, उनका बॉडी प्लान वैसा होता है। यूनिसेलुलर में दोस्तों सिर्फ आपको एक एग्जांपल ध्यान में रखना है, यीस्ट। यीस्ट दोस्तों जो होते हैं वो आपके सिंगल सेलुलर और फंजाई होते हैं और भी यीस्ट होते हैं, लेकिन आपको एक नाम याद रखना है, सैकेरोमाइसिस जो है आपको ध्यान में रखना है। इससे दोस्तों इथेनॉल बनाया जाता है और ब्रेड बनाने में भी यीस्ट का यूज होता है। तो ब्रूअर्स यीस्ट और बेकर्स यीस्ट, इस दोनों का नाम एक ही है, सैकेरोमाइसिस सर्वेसे। तो ये सैकेरोमाइसिस आपको ध्यान रखना है, आगे आपको काम आएगा। तो अब जो है हम देखते हैं इनका जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। तो दोस्तों इनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फिलामेंट पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये यानी कि पतले पतले धागों की तरह ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम दोस्तों हाइफे कहते हैं। और दोस्तों ये जो हाइफे है ये बहुत ज्यादा फैले होते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये जो पूरा जो नेटवर्क है हाइफे का,
इसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो आपको हाइफे और माइसीलियम में अंतर ध्यान में रखना है कि अगर एक एक हाइफा हो तो अब तो हम उसको हाइफा कहेंगे, लेकिन बहुत सारी अगर मिलकर एक एक नेटवर्क बना ले तो हम पूरे फंगस की के नेटवर्क की बात करने लगे, तो हम उसको माइसीलियम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इनमें क्या होता है, कुछ कुछ वॉल्स पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। वॉल्स का मेरा मतलब है क्रॉस वॉल्स से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ ये यहाँ पर दोस्तों लाइंस बनाई हुई है, तो इसको हम दोस्तों कहते हैं सेप्टम कहते हैं और प्लूरल में हम इसको सेप्टा कहते हैं। तो ये दोस्तों क्रॉस वॉल पाई जाते हैं जो कि ये जो इनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको सेपरेट करती हैं। और दोस्तों ये जो है सारे फंगस में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ कुछ फंगस की जो क्लासेस है उनमें नहीं पाई जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द फंगस जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं। आपको एक क्लास का नाम ध्यान में रखना है जो हम आगे पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, जिसमें ये दोस्तों नहीं पाई जाती है। तो इनमें कैसा होता है उसको आप देखिए कि इनमें ये कैसे होता है। तो दोस्तों अब आप देखिए कि अगर इनके बीच में वॉल नहीं होगी तो मैंने वॉल को यहाँ पर मिटा दिया। तो मैंने अगर दोस्तों वॉल को यहां से मिटा दिया तो जो आपका जो पूरा फ्लूइड है वो आपका ऐसे फैल जाएगा। तो जो सारे जो न्यूक्लियस हैं वो आपके उनके बीच में कोई भी दीवार नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, वो आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएंगे। जो आपके हाइफे हैं अगर उनमें कोई भी दीवार नहीं रह जाएगी तो उनमें जो न्यूक्लियस की जो संख्या है पर सेल वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेल्स के बीच में कोई भी दीवार ही नहीं है। तो ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट आपके हो जाएंगे। इनके बीच में कोई भी दीवार नहीं है क्योंकि ये एसेप्टेट है, इनके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन को हम सीनोसिटिक कंडीशन हम दोस्तों इसको कहते हैं। हम इसको कहते हैं सीनोसिटिक कंडीशन, जब मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके हाइफे हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल इनके बीच में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीनोसिटिक कंडीशन है वो आपको सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों फंजाई के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे फंजाई के में रिप्रोडक्शन, और उसके बाद इनकी क्लासेस को स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।